20 दिसंबर 2022 को क्रिकेट जगत सदमे में आ गया था, क्योंकि भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। हादसे के बाद पंत का इलाज पहले देहरादून के मैक्स अस्पताल में चला और फिर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पंत की पहली सर्जरी भी हुई। सर्जरी के बाद पंत फिट महसूस कर रहे हैं और पंत ने उस भयानक पल के बारे में बात करते हुए अपने शुभचिंतकों को याद किया। क्या था पंत का शुभचिंतकों के लिए संदेश और जयशाह के लिए पंत ने क्या कहा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इन्फॉर्मर और मैं हूँ आपके साथ देवेश श्रीवास्तव। ऋषभ पंत ने ट्विटर के माध्यम से खास तौर पर उन दो लोगों का जिक्र किया जिन्होंने दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाने में काफी मदद की। पंत ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से सभी का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं इन दो हीरोज रजत कुमार और निशु कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने दुर्घटना के दौरान मेरी मदद की और सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंच सकूं। धन्यवाद, मैं हमेशा आभारी और ऋणी रहूंगा। पंत ने फैंस और बीसीसीआई सचिव जयशाह का भी शुक्रिया अदा किया। पंत ने ट्वीट कर लिखा, मैं सपोर्ट और शुभकामनाओं के लिए काफी विनम्र महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल है, रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। बीसीसीआई, जयशाह और सरकारी अथॉरिटी को धन्यवाद। क्या आप भी जल्द ऋषभ पंत को एक्शन में देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।